Like a Hellcat. Hello students, welcome to the new lecture of beta and gamma functions. I am Vinay Pandey. Beta and gamma functions के कुछ videos हम पहले कर चुके हैं जिसमें हम beta function को काफ़ी detail में पढ़ चुके हैं. beta function की definition, beta function की properties, beta function किसी integration को beta function में कैसे convert करते हैं, beta function की 0 से infinity वाली form, दो forms हमने पढ़ लिए beta function की, एक 0 से 1 और एक 0 से infinity. तो जो student उन videos को नहीं देख पाया है, description में जाकर के उन videos को देख सकता है. पहले उन videos को आप देखें, उसके बाद आज का जो topic है, हम gamma function आज start करने वाले हैं. तो gamma function की definition पहले देखते हैं. definition क्या है? The definite integral 0 to infinity e to the power minus x, x to the power minus n minus 1 dx, where n greater than 0 is called the gamma function and is denoted by, ये सिंबल को हम गामा n पढ़ते हैं. जैसे हमने बीटा mn का पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx. फिर इसी फॉर्म से हमने बीटा फंक्शन की दूसरी फॉर्म बनाई थी, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स. ये बीटा फंक्शन के दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे. अब गामा फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा एन से. इसका फॉर्मूला क्या है, 0 से इन्फिनिटी एक ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स, तो इस इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 4 माइनस 1 डी एक्स. तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, गामा 4 का. तो ये जो वैल्यू है ये गामा एन में कन्वर्ट हो जा रही है. और गामा एन को हम कैसे फैक्टोरियल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बीटा फंक्शन का एक फॉर्मूला मैंने आपको फैक्टोरियल टर्म्स में भी प्रूव करके दिखाया था. तो गामा फंक्शन को भी फैक्टोरियल टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे बाद में. तो गामा एन का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है गामा एन का, गामा फंक्शन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का गामा एन का ये फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी फॉर्मूले से आप आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. जैसे हमने बीटा फंक्शन में बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखी थी, तो यहाँ पे भी हम गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी क्या है, गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा एन. जैसे कि हमारे पास 4 गामा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गामा 3. फिर गामा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गामा 2. जैसे फैक्टोरियल में होता था, वैसे ही ये गामा को आप उसके लोअर टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो गामा में. और दूसरा फॉर्मूला है गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी. जैसे गामा 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उससे एक कम, यानी कि 3 फैक्टोरियल. और 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ईजिली आप किसी भी गामा फंक्शन का न्यूमेरिकल आंसर निकाल सकते हैं. बीटा फंक्शन का भी आप न्यूमेरिकल आंसर आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से. तो ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और दोनों फॉर्मूले का हम वन बाय वन प्रूफ देखने जा रहे हैं. पहला फॉर्मूला आप देखिए, गामा एन प्लस 1 के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो गामा एन प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एन प्लस 1 माइनस 1 डी एक्स. उस फॉर्मूले से एन की जगह पे एन प्लस 1 दिया हुआ है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर कितनी हो गई, एन डी एक्स. इसको ध्यान से देखिए इस स्टेप को. अब एक्स की पावर एन को फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान के अगर हम इंटीग्रेट करें, तो गामा एन प्लस 1 कितना आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, और अपॉन में आ जाएगा इसका कोफिशियंट 0 टू इन्फिनिटी. फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक माइनस का साइन आएगा, और इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा. इसको देखिए पहले वाले टर्म को, गामा एन प्लस 1 एक्स की पावर एन अपॉन
e की पावर माइनस एक्स हो गया है, जीरो से इन्फिनिटी माइनस प्लस एन। ये फॉर्मूला आप देखिए, एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स, जीरो से इन्फिनिटी, तो ये गामा एन का फॉर्मूला बन गया सेकंड वाला जो टर्म है, सॉरी ये ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में आकर के प्लस बन जाएगी पावर माइनस। अगर आप इन्फिनिटी इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करने पे क्या होगा, ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसको फिलहाल हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन ई की पावर एक्स। लेकिन जैसे लोअर लिमिट आप लगाओगे तो जीरो अपॉन वन हो जाएगा, जीरो अपॉन वन कितना होता है जीरो, तो सेकेंड केस में लोअर लिमिट जीरो बन जाएगी, एन गामा एन। अब आपको याद है आपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ा हुआ है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं या फिर इसका एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं, और एक्सपेंशन यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपको जो डिनोमिनेटर है उसमें ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन यूज़ करना है। एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ऊपर क्या है एक्स की पावर एन, और दूसरा टर्म क्या आ रहा है एन गामा एन। एक्स की पावर एन जो है इसको, एक्स की पावर एन को अगर हम अपॉन में लेके जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, वन अपॉन एक्स की पावर एन, एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक्स की पावर एन माइनस टू, और ऐसे करते हुए एक टर्म इसमें होगा एक्स की पावर एन वाला टर्म भी होगा, तो वो एक्स की पावर एन वाला टर्म भी आएगा और उसके आगे के टर्म्स भी आएंगे, तो हम इसको इन्फिनिटी तक लिख लेते हैं। कुछ इस तरीके की सीरीज इसमें चल रही है। अब इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें, वन अपॉन एक्स की पावर एन आ रहा है पहला टर्म, फिर वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस वन आ रहा है, और यहाँ पे क्या है आगे के टर्म्स में हटा दे रहा हूँ, एन गामा एन। अब आप देखिए जो ये सीरीज है इन्फिनिटी तक चलती है, अगर हम यहाँ वन अपॉन इन्फिनिटी अप्लाई करें तो क्या आएगा जीरो जीरो जीरो, लेकिन आगे के जो टर्म्स होंगे एक्स की पावर एन वाला जो टर्म है वो एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल हो जाएगा तो वन आएगा, और उसके आगे के जो टर्म्स आएंगे उसमें एक्स जो है ऊपर आएगा मतलब यहाँ आएगा, तो इन्फिनिटी को अगर आप ऐड करोगे इन्फिनिटी टाइम तो क्या आएगा इन्फिनिटी आना है, तो ये आ जाएगा वन के अपॉन में कितना आ जाएगा इन्फिनिटी प्लस एन गामा एन, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, तो गामा एन प्लस वन का फॉर्मूला क्या हो गया, पहला टर्म जीरो हो गया, दूसरा टर्म क्या था एन गामा एन। तो ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का, पहले वाली प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन हो गया कि गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है एन गामा एन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइए देखते हैं इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ। देखिए गामा एन को आपको ये प्रूफ करना है, अभी हमने फॉर्मूले में क्या प्रूफ किया कि गामा एन प्लस वन आपके पास है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं एन गामा एन, मतलब उससे एक कम हो जा रहा है, अगर यहाँ पे एन प्लस वन की जगह पे एन आ जाए तो गामा एन क्या बन जाएगा उससे एक कम, यानी कि एन माइनस वन गामा एन माइनस वन ये बन जाएगा। अब आप इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, गामा एन को हम क्या लिखेंगे एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, एन माइनस वन इस गामा एन माइनस वन को फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर से एक कम और हो जाएगा एन माइनस टू गामा एन माइनस टू, तो ये वन बाई वन एक एक करके काम होता जाएगा, तो अगर हम इसको ऐसे ही सिमेट्रिकली अप्लाई करते रहें तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, थ्री टू वन, और लास्ट में क्या आ रहा होगा गामा वन, तो ये गामा एन की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन वन कर लेते हैं। अब हम गामा वन की वैल्यू फिर से इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, क्योंकि गामा एन का तो फॉर्मूला ये है, और गामा वन अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर क्या हो जाएगी वन माइनस वन डी एक्स, यानी कि एक्स की पावर जीरो, तो जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स, माइनस वन बाहर आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी माइनस ये हो जाएगा वन अपॉन ई की पावर एक्स जीरो से इन्फिनिटी, हायर लिमिट पे क्या होगा वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो वन अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा,
और दूसरा टर्म 1 अपॉन ई की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये 0 हो गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। तो आप देखिए जो गामा एन था वो गामा एन क्या बन जाएगा, अब गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस टू से लेकर के 3 × 2 × 1, और गामा वन कितना आता है 1, तो गामा एन इज इक्वल टू, अब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा एन माइनस वन से लेकर के 1 तक के सारे टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे हमको गामा सिक्स है तो इसको हम पहला वाला फॉर्मूला लगाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 γ5 लिख सकते हैं, और इस वाले फॉर्मूले को लगाए तो हम क्या लिख सकते हैं, उससे 1 हम फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी यूज़ होने जा रहा है आगे, कभी ध्यान से इन प्रॉपर्टीज़ को आप देखें और इनका सॉल्यूशन भी खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम्स में भी ये प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं, जो गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन है उन दोनों में एक रिलेशन आपको फाइंड करके बता रहा हूँ। बीटा फंक्शन में एक फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, बीटा एम एन में जो मैंने पूरा डेरिवेशन आपको कराया था वो था एम माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये पूरा डेरिवेशन मैंने पहले के वीडियो में, पहले के लेक्चर में बताया हुआ है, आप वहाँ से ये पूरा डेरिवेशन देख सकते हैं, ये पूरा रिलेशन प्रूफ किया वहाँ पे। अभी मैंने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था गामा फंक्शन में, गामा एन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन फैक्टोरियल। अभी सेकंड प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की बताई थी, इसको देखिए आप, गामा ये सॉरी एम माइनस वन फैक्टोरियल को अगर गामा में कन्वर्ट करना है तो किसी फैक्टोरियल को गामा में कन्वर्ट करना है तो उससे एक टर्म ऐड करके गामा में वो कन्वर्ट होगा। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसको हम क्या लिखेंगे, गामा 6 लिखेंगे। तो एम माइनस वन फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम, गामा एम। एन माइनस वन फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, गामा एन, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गामा एम प्लस एन बीटा एम एन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो रिलेशन है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में, और ये जो रिलेशन है ये प्रूफ करने को भी आ जाता है एग्ज़ाम में। तो आपको प्रूफ में अलग से, इसका एक इंडिविजुअल प्रूफ अलग से भी है, वो प्रूफ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये प्रूफ हमने किया हुआ है और ये प्रूफ भी किया हुआ है, दोनों प्रूफ आपको याद हैं तो इन दोनों प्रूफ को आप कंबाइंड करें, और कंबाइंड करेंगे तो आपको गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में रिलेशन मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, तीन फॉर्मूले, गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है पहले, तो फिर गामा फंक्शन में एन, गामा एन को हमने क्या लिखा था, गामा एन प्लस वन को क्या लिखा था, एन प्लस वन गामा एन प्लस सॉरी गामा एन प्लस वन को हम लिखा था एन गामा एन लिखा था पहली प्रॉपर्टी, गामा एन को हमने क्या लिखा था एन माइनस वन फैक्टोरियल, और बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है ये आपको मैंने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में अगर रिलेशन आपको प्रूफ करने को आता है तो आप ये वाला डेरिवेशन करें जो मैंने पहले के वीडियो में करवाया है, और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें, आपको डायरेक्टली इस बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में रिलेशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में, बीटा फंक्शन हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, गामा फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है आज, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन में हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट अभी चैप्टर जो है एंडिंग की ओर जा रहा है, तो गामा फंक्शन पे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स हैं आगे के एक दो वीडियोस और हम लेंगे, तो उन वीडियोस में हम अब न्यूमेरिकल पे और फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। तो जितने एग्जाम में जिस जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो हर एक न्यूमेरिकल में आपको वीडियोज़ में बताऊँगा, तो दो तीन वीडियोज़ और हम इसके करेंगे जिसमें हम गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल अब करने जा रहे हैं, और कुछ फॉर्मूले के डेरिवेशन भी हम अभी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।